वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इमेजेस का यूज करूंगा। बच्चे रटते हैं, चिल्ड्रन रटना नहीं है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है भाई? जितनी भी लिविंग थिंग्स आप देखते हो, जितने भी तरह के एनिमल्स देखते हो, तरह तरह के प्लांट्स ट्रीज देखते हो, यही तो बायोडाइवर्सिटी है। अब ये पूछ रहा है कि हमारे लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। भाई अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, अगर प्लांट्स ट्रीज नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। Different kinds of animals and plants are found on earth. अलग अलग तरह के animals और अलग अलग तरह के जो plants हैं वो earth पे मिलते हैं। It is called biodiversity और इसी को biodiversity कहा जाता है। अब इसकी importance क्या है? Number one, agriculture. Our food comes directly from various plant. हमारा जो food है वो कहाँ से आता है भाई? वो agriculture से ही तो आता है। अगर plants नहीं होंगे, trees नहीं होंगे, तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? Number two, ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल विदाउट बायोडाइवर्सिटी। भाई साहब अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो, ये सारी चीजें ना हो, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो चिल्ड्रन फ्लोरा का मतलब होता है फॉरेस्ट, ट्रीज वगैरह, फौना मतलब एनिमल्स, ठीक है? तो फ्लावर्स को, मतलब प्लांट्स को और एनिमल्स को हमने कैसे अफेक्ट किया है? हम जरूरत से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम जरूरत से ज्यादा इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो तो खराब हो रहा है ना। हमारे जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो तो सब खराब हो रहे हैं ना। अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अफेक्टेड द डिप्लीशन, मतलब कमी कर फ्लोरा और फौना में किस तरह से? नंबर वन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नंबर टू, इलीगल माइनिंग की वजह से। नंबर थ्री, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से। और नंबर फोर, ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है तो हमें ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे, क्या सर इतना अगर मैं लिखाऊं शॉर्ट क्वेश्चन में तो मार्क्स मिलेंगे, 100% मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो डिफॉरेस्टेशन आप हेडिंग डाल देना, इसमें लिख देना कि हम लोग लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इलीगल माइनिंग में लिख देना, ठीक है, अंधा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा वो करने के लिए लोग इलीगल माइनिंग में लगे हुए हैं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इस तरह से आप और बढ़ा सकते हो अपने साइड से। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब आपको बताना है, अगर एक तरफ कुछ ऐसे इंसान हैं जो रिसोर्सेज को काट रहे हैं, मतलब पेड़ पौधों को, लेकिन ऐसी भी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने हमारे एनवायरनमेंट को बचाया है। तो चिल्ड्रन आपको याद होगा, आपके टीचर ने पढ़ा होगा, चिपको मूवमेंट हिमालय में हुआ था, जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो लोगों ने क्या किया, मिलके उन पेड़ों को हक कर लेते थे, मतलब उनके साथ गले मिलते थे इसी तरह से जैसे आपको दिख रहा है। और लोगों ने ये कहा कि अगर तुम इस पे आरी चलाओगे, मतलब इनको काटोगे, उससे पहले हमें काटो, हमें मारो। तो इस तरह से फाइनली लोगों ने बहुत हेल्प की। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, उसने एनिमल्स को और प्लांट्स को, ट्रीज को बचाने में बहुत हेल्प की है। तो ये वाली बातें अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। नंबर वन, चिपको मूवमेंट कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये एक लाइन बस आपको अपने वर्ड्स में लिखनी है, चिपको मूवमेंट, उसके बाद मैंने कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, ये पूरा का पूरा हमने अपने वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। इन दिस पीपल हग द ट्री, इसमें क्या हुआ था, लोगों ने ट्री को हग कर लिया था, मतलब उनके, देख रहे हो, चारों तरफ से पकड़ रखा है जैसे यहाँ पे। और क्या कहा, वेन एवर एनी वन ट्राई टू कट देम डाउन, जब भी किसी भी संस्था ने, गवर्नमेंट ने, या किसी ने भी अगर कटवाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि पहले हमको मारो, तब जाके इस पेड़ को मारो। इन राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो विलेजर्स ने क्या कहा, जो माइनिंग चल रही थी, कि भाई गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत आप यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते। तो मतलब अगर हमें अवेयरनेस होगी, हम अवेयर होंगे अपने राइट्स के, तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं।
चलो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा भाई, मेरी अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना, मैं तीन तक काउंट करूंगा, 1, 2, 3। आई होप चिल्ड्रन आपको वीडियो ने आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम वाइल्ड लाइफ को और इसको क्या नाम है बचाने के लिए फॉरेस्ट को क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया, 1972 वाला एक एक्ट निकाल दिया जिसमें सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स का कोई शिकार शिकार नहीं कर सकता, हंटिंग नहीं कर सकता और वहां पे फॉरेस्ट को नहीं काट सकता। फिर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिए जहां पे जो एनिमल्स हैं वो खुलेआम घूम सकते हैं और वहां पे पूरी तरह से कोई भी इंसान जो है हंटिंग वगैरह नहीं कर सकता। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में लिखना है, देर आर सेवरल गुड प्रैक्टिसेस, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं टूवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सम ऑफ देम आर, नंबर वन, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, जो 1972 में जब ये एक्ट इम्प्लीमेंटेड हुआ, इट मेड प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक हैबिटेट्स अ लॉ। मतलब सरकार ने एक नियम बना दिया कि जो भी इस नियम को तोड़ेगा भाई साहब उसको सजा मिलेगी। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी, वर सेटअप इन मैनी स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स में, टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड मतलब जो ऐसी स्पीसीज जो बिल्कुल खत्म होने वाली है उनको बचाने के लिए। फिर हमने प्रोजेक्ट टाइगर हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया टाइगर को बचाने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर दे से। इन विच स्टेट विलेजर्स फॉट अगेंस्ट इलीगल माइनिंग, कौन से स्टेट में जो विलेजर्स हैं वो इलीगल माइनिंग के खिलाफ खड़े हो गए, ए राजस्थान, बी बिहार, सी यूपी या डी हरियाणा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, अपने आंसर में बस आप ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप चिल्ड्रन ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।